हरियाणा सरकार रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है, लेकिन पैसे के भूखे अधिकारी हैं कि अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला करनाल का है, जहां विजिलेंस की टीम ने बुधवार को एचएसवीपी विभाग के जेई को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए, तो वहीं निगदो तहसील के पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एचएसवीपी विभाग के जूनियर इंजीनियर प्रद्युमन को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की एवज में शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 19,43,000 रुपए भी बरामद किए हैं। ये सारे रुपए आरोपी ने लोगों से रिश्वत के लिए हुए थे। जी आज ऐसा है, एक हमारे पास कंप्लेनेंट आए थे और उन्होंने हमारे को शिकायत दी कि एक व्यक्ति जो है अपना सरकारी कर्मचारी जो है वो उनसे अपने जो एचएसवीपी के हैं अपना जेई प्रद्युमन जेई एचएसवीपी हुड्डा करनाल के में नियुक्त है और उनका जो हाउस का जैसे हुड्डा में जो घर उनका बना हुआ है तो उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के नाम पे उन्होंने उनसे 50,000 रुपए की डिमांड कर रखी थी, जिसको वो देना नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने आज कंप्लेंट दी, जिसको हमने उनको रेड हैंडेड गिरफ्तार किया उनके घर सेक्टर 13 में। और जब पूछताछ की गई तो उन्होंने फिर वहाँ पे हमें बताया कि इसके अलावा भी मैंने और काफ़ी ब्राइब करके मनी इकट्ठी की हुई है, तो वो उनके घर से टोटल जो हमारे को रिकवरी उनसे प्राप्त हुई है 20,43,100 रुपए की। ये 50,000 इंक्लूडिंग है? इंक्लूडिंग 50,000। सर बाकी पैसे किस एवज से आए थे, कैसे आए? देखिए ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार के ये कार्य कर रहे थे सरकारी कार्य की एवज में, जैसे आप लोगों को भी पता है डेली यही मैसेजेस आ रहे हैं कि सरकारी कार्य करने की एवज में इनसे पैसे दूसरों से इकट्ठे कर करके रखे हुए थे जिनको रिकवर किया। वहीं दूसरी ओर विजिलेंस की टीम ने निगदू तहसील के पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दूसरा मामला मैं आपको बता दूं, एक पटवारी है निगदू के और हल्का उनका कमालपुर है, जिनका नाम हरमिंदर उर्फ प्रिंस है और ये संत नगर करनाल के रहने वाले हैं। इन्होंने जो कंप्लेनेंट से 5,000 रुपए मांग रखे थे निशानदेही के, और आज उन्होंने उनको बुलवाया हुआ था 5,000 के साथ रेड हैंडेड वो गिरफ्तार हुआ। आरोप है कि करनाल के संतनगर निवासी हरमिंदर ने किसान की जमीन की निशानदेही के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत ली थी। आरोप है कि करनाल के संतनगर निवासी हरमिंदर ने किसान की जमीन की निशानदेही के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत ली थी, जिसे विजिलेंस की टीम ने गाँव कमालपुरा से गिरफ्तार किया है। बता दें मंगलवार को ही विजिलेंस की टीम ने करनाल के एक लाइनमैन को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था और अब ये दो मामले और सामने आए हैं। इन मामलों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की सख्ती के बावजूद भी कुछ सरकारी बाबू काली कमाई से अपनी जेब भरने से गुरेज नहीं कर रहे। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब की सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।